ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। यहाँ प्रतिदिन एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जिसके साक्षी बनने दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात राज्य में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। यह भगवान शिव शंकर जी का प्राचीन मंदिर है। यह दिन में दो बार अदृश्य हो जाता है और कुछ समय उपरांत पुनः प्रकट हो जाता है। इस कारण से इसे गायब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात राज्य के बड़ोदरा जिले से 85 किलोमीटर दूर जम्बूसर तहसील के कावी कम्बोई गाँव में स्थित शिव मंदिर है। यह अरब सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। समुद्र किनारे पर स्थित होने के कारण इसका सौंदर्य देखने लायक है। इस मंदिर की खोज आज से लगभग 150 साल पहले हुई थी। स्तंभ पर बने होने के कारण इसका नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है जिसकी ऊंचाई 4 फुट और व्यास 2 फुट है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर प्रतिदिन गायब हो जाता है। ऐसा यहाँ सदियों से होता आ रहा है, किंतु इसका गायब होना कोई चमत्कारी घटना नहीं है, यह एक प्राकृतिक घटना है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के कारण यह मनोरम और चमत्कारी दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। समुद्र में जब भी ज्वार चढ़ता है, शिवलिंग सहित पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। ज्वार उतरने पर मंदिर पुनः दिखाई देने लगता है। ऐसा दिन में 2 बार सुबह और शाम होता है। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में स्वयं शिव शंभु विराजते हैं, इसीलिए प्रतिदिन 2 बार समुद्र देव उनका जलाभिषेक करने आते हैं और जलाभिषेक कर वापस लौट जाते हैं। ज्वार के समय मंदिर के जलमग्न होने के कारण दर्शन करने आए हुए श्रद्धालुओं को जल के उतरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जल उतरने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होती है। दर्शन करने आए हुए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उनके मध्य पर्चे वितरित किए जाते हैं। पर्चों में ज्वार आने का समय अंकित होता है। इस मंदिर के मनोहारी दृश्य को देखने यहाँ सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ जमा होती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 11 की पृष्ठ क्रमांक 358 में मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने घोर तप कर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वरदान में ताड़कासुर ने मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान शिव जी के पुत्र के हाथों ही हो और वो भी उस पुत्र की आयु 6 वर्ष हो। भगवान शिव जी ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान प्राप्त होते ही ताड़कासुर का घोर आतंक प्रारंभ हो गया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दिया। देवतागण और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से त्रस्त देवता और ऋषि मुनि महादेव जी की शरण में पहुंचे और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए विनती करने लगे। तब ताड़कासुर की समाप्ति के लिए श्वेत पर्वत के कुंड में शिवपुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनके 6 मस्तक, 4 आंखें और 12 हाथ थे। 6 वर्ष की आयु में उन्होंने ताड़कासुर का वध कर देवताओं और ऋषि मुनियों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। ताड़कासुर के वध के बाद कार्तिकेय जी को ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था, जिससे वे आत्मग्लानी से भर उठे। उनका मन अशांत हो गया। तब भगवान शिव जी ने उन्हें अपना मन शांत करने हेतु ताड़कासुर के वध के स्थल पर शिवालय बनाने का परामर्श दिया। कार्तिकेय जी ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गाँव कावी कम्बोई में स्थित है। वह बड़ोदरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। कावी कम्बोई गाँव बड़ोदरा, भरूच और भावनगर से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए इन स्थानों से प्राइवेट कैब लिया जा सकता है। कावी कम्बोई गाँव पहुंचने के लिए निकटतम स्टेशन बड़ोदरा है, जहाँ से प्राइवेट कैब या टैक्सी का
स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा जा सकता है। बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो कावी कम्बोई गाँव से 81 किलोमीटर दूर है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर खुलने का समय ज्वार के समय पर निर्भर करता है। मंदिर की वेबसाइट www.stambeshwarmahadev.com मंदिर के खुलने का समय दर्शाती है, किंतु मंदिर के गायब होकर पुनः प्रकट होने के अलौकिक नज़ारे को देखने के लिए सुबह से पूरा दिन देना सही होता है। हमें उम्मीद है कि आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी हम आप सभी के साथ ऐसी ही जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।